बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए, हम सब के लिए। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको हमेशा खुश खुर्रम रखे, खुशियाँ मिलती रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। तो फ्रेंड, मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत बेबी के फ्रॉक। तो फ्रेंड, बेबी के फ्रॉक आप देखिएगा कितने प्यारे हैं। ऊन और कुरेशी से बने हुए तमाम बेबी के फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट क्यूट हैं। इसके घूम देखें और गोल योक इस तरह का आप फैब्रिक का भी बना सकते हैं, कॉटन फैब्रिक का, और इस तरह कुरेशी का भी और ऊन सिलाइयों का भी। तो फ्रेंड, ये देखिए पूरा ड्रेस है, इसकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं। शूज़ हैं, रबर बैंड है और बेल्ट है, सॉक्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये देखिए स्टेप वाला है, इस तरह का बड़ों का भी बनता है और छोटों का भी। ये देखिए इसके साथ नेट की घूम बना दिए और इसकी भी योक बना के आप इस तरह से नेट के बना सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत इन्होंने छोटे छोटे फ्लावर लगा के और टसल बनाए हुए डोरी से। और इस तरह से भी आप देखें, ये कितने खूबसूरत इन्होंने आइडियाज दिए हुए हैं कि आप किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड, यकीनन आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बेबी के बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं। तो फ्रेंड, हमारा एक और चैनल है, विंटर सीज़न के लिए बनाया है हमने कुरेशी का, ऊन का, और उसका नाम भी बता देती हूँ आपको, क्रोचिट एनी फैशन ब्यूटी। तो फ्रेंड, फैशन ब्यूटी मेरी बेटी का चैनल है, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो अच्छा चलता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने चैनल बनवाया है, तो अपनी बेटी के नाम से, उसका नाम एनी है और फैशन ब्यूटी उसके चैनल का नाम है। माशाल्लाह से गोल्ड का बटन भी आया हुआ है उसका। तो वो चाह रहे थे कि मैं अपनी बेटी के नाम से ही चैनल बनाऊँ। तो फ्रेंड, आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और दुआओं में भी याद रखिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें जैसे आपने हमारे और चैनलों पर, इस चैनल पर सपोर्ट की है। तो फ्रेंड, इसी तरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे प्यारे प्यारे डिज़ाइन। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और कुछ लेकर आएंगे, तब तक आप हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी अम्मी अब्बू का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए माँ बाप जीते हैं।